फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत छोटा सोबर बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ये छोटी सी क्लास आपको बहुत कुछ सिखा देगी और इंग्लिश एक्सपर्ट्स जो भी लोग अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन इस टॉपिक स्टूडेंट जो बहुत हमें इंटरफेयर करता है, कई बार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी करता है। द टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन अनलेस एज अनटिल। स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ यूनिक बातें जरूर बताऊंगा जो आपको मालूम जरूर होगी मगर कुछ नयापन आपको जरूर मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी रहेगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला ये बहुत कम समय में मैं आपको सिखाऊंगा। स्टूडेंट सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझ लीजिए, चाहे वो अनलेस हो चाहे वो अनटिल हो, मीनिंग एक ही है, जब तक तब तक। बट देयर इज अ डिफरेंस, अनलेस ऑलवेज शोड शर्त, यानी कि ये शो करता है कि एक शर्त रखी जाती है कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यानी कि यदि ऐसा है अदरवाइज ये नहीं है, मींस ये एक तरीके की शर्त है। अब हम इसी पर्टिकुलर अनटिल में चलते हैं, जो ये पर्टिकुलर कह तो यही रहा है जब तक नहीं, जब तक ऐसा ना हो, बट इट इज शोइंग द समय दैट इज टाइम, यानी कि ये टाइम को दर्शाता है और ये हमेशा शर्त को दर्शाता है। अब देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो क्या वाकई में इसको सूट करते हैं, फिर उसके बाद में आपको एक दो मेजर डिफरेंसेस बताने वाला हूं जो आपने शायद नहीं सुने होंगे। चलिए हम लोग एक इजी पार्ट में चलते हैं। हम एक लाइन देख रहे हैं यहां पर स्टूडेंट्स, यू कांट लर्न इंग्लिश अंटिल यू गो टू पीडी क्लासेस। देखिए बड़ा सिंपल सी लाइन है, You can't learn English until you go to PD. शायद आप इसको देखते कहेंगे सही है, मगर आप एक बात देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां पर एक शर्त रखी गई है, यहां पर समय नहीं रखा गया है, समय नहीं रखा गया इसलिए अंटिल नहीं आएगा, इसलिए हम इस अंटिल की जगह क्या लगा देंगे, हम इस अंटिल की जगह वर्ड लगा देंगे अनलेस। Got it? चलिए मैं आप लोगों के साथ एक और बात नहीं डिस्कस करने वाला हूं कि स्टूडेंट्स कई बार ये दोनों ही यूज हो जाते हैं एक साथ। लेट अस टेक एन एग्जांपल। देखो मैं एक एग्जांपल लेकर आया हूं आपके लिए, सियाज मदर विल नॉट अलाउ हर आउट ऑफ प्ले अंटिल एंड अनलेस शी फिनिशेस हर होमवर्क, यानी कि जब तक वो अपना कार्य नहीं पूरा करेगी, अंटिल एंड अनलेस दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं, तो ये भी एक ट्रेंड है जिसमें अंटिल एंड अनलेस दोनों ही यूज हो सकते हैं। अब मैं अपने थर्ड पॉइंट पर आता हूं स्टूडेंट्स, और मेरा थर्ड पॉइंट यस सर, थर्ड पॉइंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आ जाना चाहिए। Here the line is, we went to bed and slept unless morning. अब स्टूडेंट देखो ध्यान से देखो इसको, we went to bed and slept unless morning. यानी कि कब तक? Morning तक। मगर ये क्या है? ये समय आ गया, that is time. और शायद आप समझ गए होंगे time आते ही क्या होगा? The word unless will not be seen as unless, it will become the word until. मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ गए होंगे स्टूडेंट कि until कहां लगता है, unless कहां लगता है। अगर सिंपल भाषा में समझना चाहते हो तो ये समझ लो until तभी लगेगा जब किसी जगह पर शर्त रखी भी हो, और पर्टिकुलर until इस वर्ड के लिए लगेगा समय के लिए। अब देखो आप कहेंगे सर शर्त क्या होता है, तो शर्त के लिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा unless। तो इस एग्जाम्पल को देखते हुए आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो चुका है कि unless शर्त, until समय, ठीक है ये क्लियर है। मगर आपको एक रूल और बता दूं स्टूडेंट्स कि ये ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंटेंसेस है, इट मींस इनके साथ कभी भी नहीं नहीं आएगा, यानी कि इनके सेंटेंसेस के अंदर कभी भी आपको नॉट नहीं मिलना चाहिए। मैं आपको लास्ट एग्जांपल से ये पॉइंट समझाना चाहता हूं, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर एक सेट है, एक लाइन है, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। हाँ यहां पर इसको सेकंड स्टेटमेंट आ गया मगर ये स्टेटमेंट कंटिन्यू चल रहा है, अनलेस यू डू नॉट, यानी कि अनलेस और नॉट। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अनलेस एंड नॉट एक साथ क्या आ सकते हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इनके साथ नॉट कभी नहीं आता। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा कि यहां पर अनलेस यू वर्क हार्ड होगा, ये जो डू नॉट वर्ड है हम इसको कैंसिल कर देंगे, हम जो लाइन बोलेंगे वो बोलेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ये तीन चार स्टेप्स ने आपको बहुत क्लियर कर दिया होगा, द वर्ड अनलेस इज ऑलवेज टेक्स व्हाट शर्त, The word until always takes what? समय। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू, एंजॉय योर लाइफ।